देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सभी को मालूम है कि राजस्थान के जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है जिसकी वजह से सीएम अशोक गहलोत की जो कुर्सी है वो काफी ज्यादा खतरे में बनी हुई है और इसका फायदा जो विपक्षी दल है वो काफी अच्छे से उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सचिन पायलट भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि शायद सीएम पद अगली बार अब सचिन पायलट को दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस का आना यहाँ पर दोबारा पॉसिबल हो पाएगा। बता दें कि विधानसभा के चुनाव यहाँ पर दिसंबर 2023 में है, लेकिन अब मामला इतना ज्यादा गर्मा चुका है। सबसे बड़ा मामला जो लगातार सामने आ रहा है वो है जोधपुर का मामला। जी हाँ, हमने लगातार उसकी एक एक अपडेट आपको दी है। अब लेटेस्ट अपडेट आपको देते चले तो बता दें कि ईद के दिन यानी कि कल ये मामला सामने आया था जब जोधपुर में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर धारपार हुई, मारम पिट्टी हुई और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि कुछ लोग बहुत ज्यादा घायल भी हो गए। और अब यहाँ पर अशोक गहलोत एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए। उन्होंने बड़ा फैसला ये लिया है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, मतलब कि आज दोपहर 1 बजे से लेकर, आपको समय सही से बता दें, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात की गई है। बोला गया है कि कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत ने किन किन परिस्थितियों को समझकर ये फैसला लिया और क्या क्या इसमें बिंदु है आपको बतानी बेहद ज़रूरी है। बता दें कि ईद पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में हुआ बवाल बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए जोधपुर शहर के दंगा प्रभावित थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू मंगलवार को दोपहर 1 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक रहेगा। जोधपुर में तनाव के हालात को देखते हुए शहर के प्रभावित इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ जोधपुर हिंसा को लेकर राजधानी जयपुर में सीएमओ में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सीएम गहलोत ने आला अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। बैठक में असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। कर्फ्यू जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पूर्व के उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट तथा खांडा फलसा और पश्चिमी जिले के प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सुरसागर और सरदारपुरा थाने इलाके में लगाए गए हैं। कर्फ्यू के आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पत्र के गृह सीमा से बाहर नहीं निकलेगा। हालात की समीक्षा करने के बाद इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। आज ही उच्च स्तरीय दल जयपुर से जोधपुर जाएगा। बैठक में तय किया गया कि आज एक उच्च स्तरीय दल जयपुर से जोधपुर जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दल को तत्काल हेलीकॉप्टर से जोधपुर जाने के निर्देश दिए हैं। इस दल में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, ACS गृह विभाग अभय कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया जोधपुर जाएंगे। साथ ही साथ जोधपुर की घटना पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत घटना को लेकर बेहद गंभीर है। गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस घटना के दोषी किसी भी धर्म या समुदाय से हो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में कर्फ्यू लगाया गया है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। धार्मिक उत्सव त्योहार पर इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, लेकिन आपको बता दें कि जोधपुर ऐसी जगह है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर लोग टूरिस्ट पे जाते हैं और ईद जैसे माहौल पे ये इतना कुछ कर देना, इतना ज़्यादा बवाल कर देना किसी भी तरीके से सही नहीं था। एक लाइन में आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ना छोड़ी ईद ना छोड़ा कोई त्योहार, जोधपुर जैसी जगह पर भी मचा दिया बवाल। इस तरीके की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है और ईद जैसे माहौल पर जो बहुत ही शांत होता है, रोजे के 30 दिन बाद लोग इंतजार करते हैं इस त्योहार का, लेकिन इस दिन भी हमने क्या तस्वीरें देखी कि लोग यहाँ पर किस तरीके से आपस में भिड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार आपने ये तो जाना है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किन बिंदुओं पर बेहद ध्यान देना है। और जोधपुर में कर्फ्यू लगाया तो गया है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में भी बताई जा रही है। अब आगे देखना होगा कि गहलोत सरकार क्या फैसला लेती है। अब आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।